बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत ज़बरदस्त रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं आपको चिकन विंग्स स्टीम करना सिखाऊंगी और फिर इनको स्मोकी टच कैसे देना है। बहुत ही शानदार और डिलीशियस मेरे चिकन विंग्स तैयार हुए थे, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मैंने चिकन विंग्स लिए हैं और इनको धो के मैंने ड्राई कर लिया है। ये ज़रा बड़े साइज़ के विंग्स हैं। अब मैंने 1/2 कप योगर्ट लिया है, या फिर आप एक स्मॉल कप योगर्ट ले लें और उसमें मैं 1 टीस्पून साल्ट ऐड करूँगी और 1 टीस्पून ही रेड पेपर जाएगी, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी का जाएगा और 1 टीस्पून इसमें कोरिएंडर पाउडर जाएगा और 1/2 टीस्पून इसमें क्यूमिन सीड पाउडर जाएगा। 1 पिंच मैंने फूड कलर लिया है ताकि जब मेरे विंग्स तैयार हों तो अच्छा सा कलर आए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस जाएगा, 1 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस ऐड किया है। अगर आपके पास फ्रेश लेमन हो तो आप एक लेमन का रस ले लें। 1 टेबलस्पून मैंने भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है। अब इन सब की मैं अच्छी सी मिक्सिंग करूंगी और फिर मैं अपने चिकन विंग्स इसमें ऐड कर दूंगी और ये सारा मसाला इन पे अच्छी तरह अप्लाई कर दूंगी। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको 1 घंटे का या आधे घंटे का रेस्ट दे दें। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था क्योंकि मेरे बच्चे तकरीबन 1/2 आवर में घर आने वाले थे स्कूल से, इसलिए मैंने फ़ौरन से इनको बनाना शुरू किया। एक पैन में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है और उसमें 1 टीस्पून कोरिएंडर सीड के ऐड किया है और 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड कर लिया है। 4 से 5 इसमें लौंग जाएंगे और साबुत काली मिर्च के 8 से 10 दाने मैं इसमें ऐड करूंगी। इन तमाम मसालों को मैं तकरीबन 1 मिनट के लिए इस ऑयल में अच्छी तरह कड़कड़ा लूंगी और उसके बाद मैं अपने चिकन विंग्स इसमें ऐड कर दूंगी। और जितना मसाला इसमें था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको कवर लगा के 10 मिनट के लिए रख दिया है। और 10 मिनट के बाद जब मैंने कवर खोला तो मैं इसकी साइड्स चेंज कर दूंगी। मेरे चिकन विंग्स बहुत अच्छे टेंडर हो रहे हैं। चिकन ने भी पानी छोड़ा और योगर्ट में भी पानी था, इसलिए इनको दोबारा मैं 10 मिनट के लिए कवर लगा दूंगी। तकरीबन 20 मिनट के बाद मेरे चिकन विंग्स मुकम्मल तौर पे रेडी थे। आपने स्टोव तब तक ऑफ नहीं करना जब तक आपका सारा पानी ड्राई ना हो जाए और आपके चिकन विंग्स ड्राई हों। अब मैं इनको स्मोकी टच देने के लिए एक स्पून की मदद से इनको डायरेक्ट चूल्हे पे सेक लूँगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। आप स्टेनर पे भी रख सकते हैं। मैंने एक बड़े स्पून का यूज़ किया है। मैं इसको दोनों तरफ से अच्छा सा सेक लूँगी जिससे मेरे चिकन विंग्स में एक बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाएगा। बहुत अच्छी खुशबू अभी से मेरे किचन से आना शुरू हो चुकी है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मेरे चिकन विंग्स दोनों तरफ से सेक चुके हैं। अब मैं इनको अपनी प्लेट में निकाल लूँगी और मैं फिर अपने स्पून में मज़ीद ऐड कर दूंगी। मैं इनको थोड़ा थोड़ा करके सेक रही हूँ जितने मेरे स्पून में आसानी से आ जाएं। मेरे चिकन विंग्स बहुत शानदार तैयार हुए थे। यकीन माने ऐसे ही लग रहा था कि जैसे मैंने इसको कोयलों पे और सलाहों पे तैयार किया है। बहुत अच्छी खुशबुएँ, बहुत अच्छा फ्लेवर मेरे चिकन विंग्स का था। मेरे ये विंग्स 1/2 आवर में तैयार हो गए थे और बच्चों ने इसे बहुत पसंद किया और ऐसे ही लग रहा था कि आप किसी फेमस फूड स्ट्रीट पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल वही खुशबुएं और वही जायका। आपने ये रेसिपी मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है और फिर मुझे अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरे ये स्मोकी चिकन विंग्स कैसे लगे। अगर आपको ये मेरे स्मोकी चिकन विंग्स की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।